कैसे हो दोस्तों, मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। कंटिन्यू करेंगे वहीं से ही जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, ज़ोरा मैग्डरोस के लड़ाई के बाद। कोशिश करेंगे कि आज स्टोरी को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए और मे बी, जस्ट मे बी, कुछ नए आर्मर क्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम एक नए लेवल पे पहुंच चुके थे, यानी कि आर्मर का कलर चेंज होने लगा था, वेपन्स का कलर चेंज होने लगा था। हम लोग वाइट लेवल से ग्रीन लेवल तक पहुंच चुके थे, तो कोशिश करेंगे खुद के लिए कुछ नए आर्मर क्राफ्ट करें और शायद कुछ वेपन्स अपग्रेड करें। और आज के दिन मेरा इंटरनेट वापस आ चुका है और मैच मेकिंग हो चुकी है, तो सबसे पहले यार चलते हैं स्मिथी के पास, देखते हैं उसके पास हमारे लिए कुछ नया है कि नहीं। यार ये है स्मिथी, फोर्ज इक्विपमेंट आर्मर। ओके, तो एक और नया तरह का आर्मर हमने अनलॉक किया है जो है हाई मेटल, और ये है सेम लेवल एंजनाथ आर्मर के साथ। तो इसमें हमको मिलते हैं आइस रेजिस्टेंस, ईयरप्लग्स, डिफेंस बूस्ट, कैपेसिटी बूस्ट, हैवी आर्टिलरी। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं जिसको देखकर मुझे लगता है शायद नए आर्मर की ज़रूरत पड़े। एक नया चेस्ट पीस का इस्तेमाल मैं ज़रूर कर सकता हूँ और इसके लिए एंजनाथ प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो मैं अभी लेना नहीं चाहता। तो अभी के लिए एग्जिस्टिंग चेस्ट पीस ही यूज़ करेंगे और देखेंगे कि नए क्वेस्ट में हमें और क्या क्या नए मॉन्स्टर्स मिलते हैं, और शायद उससे ही कुछ नए आर्मर्स वगैरह अनलॉक हो जाए। अभी जाना है हमको हेड टू द ग्रेट रिवीन, तो ग्रेट रिवीन पे चलते हैं। मैप में लोकेशन बता रहा है, तो यार ग्रेट रिवीन कोई एकदम ही नया मैप नहीं है। ग्रेट रिवीन यानी कि दो मैप्स के बीच का एक छोटा सा हिस्सा है। नए मैप का लोडिंग टाइम काफी ज्यादा है। ओके, तो ये आ चुके हैं हम लोग ग्रेट रिवीन पे। तो जैसा कि यार तुम देख सकते हो यहाँ के एनवायरनमेंट को देख करके, ज़ोरा मैग्डरोस यहीं से होकर के गुजरा था, और वो जो गड्ढा दिख रहा है वहाँ पे, वो था उसका एग्जिटिंग पॉइंट, और इसी के कहीं इर्द गिर्द ही, जो शायद हम मैप में नहीं देख पा रहे या फिर पूरे सीन में नहीं देख पा रहे, तो इसी के कहीं इर्द गिर्द ही हम लोगों ने अपने शील्ड्स वगैरह लगाए थे, वो जो वुडन ब्रिज वगैरह था। तो यार ये है हमारे दोस्त जो शुरू शुरू में मिले थे। तो इस बंदे का नाम है एक्साइटेबल ए लिस्टर, जैसे कि यहाँ पर हर कैरेक्टर का ही खुद के किसी रैंकिंग या फिर खुद के किसी कैरेक्टरिस्टिक से ही नाम है। खुद के नाम नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर्स है। एक्साइटेबल ए लिस्टर बोलते हैं, लुक एट द साइज ऑफ दैट फिशियर, I've never felt so small, scary stuff, huh? और यहाँ पर A-lister की handler हमें बोलती है, What are we waiting for? All kinds of juicy quests must be waiting on the far side of the ravine. The handler needs her fix. Okay, तो आगे बढ़ते हैं। We got
gotta be careful not to fall here. तो यार ये जो रास्ता तुम बना हुआ देख रहे हो ना, वो रास्ता यहाँ पर था नहीं, वो बेसिकली ज़ोरा मैकडरोस ने चलते चलते ही बनाया है। तो यार ये है ताकत एक एल्डर ड्रैगन की, उनकी एक मूवमेंट से ही पूरा एनवायरनमेंट जो है वो बदलने लगता है, पूरे इकोसिस्टम्स चेंज होने लगते हैं। पहुंच चुके हम नए मैप पे जिसका नाम है कोरल हाइलैंड्स, और नाम से ही सजेशन तुम्हें मिल रहा होगा कि समंदर के अंदर जैसे कोरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी सेम तरह के कोरल स्ट्रक्चर जमीन के ऊपर है। और यह है कोरल हाइलैंड्स के नीचे का हिस्सा। तो यार कोरल हाइलैंड को देखकर लग रहा होगा बहुत सारे लाइफ लाइक क्रीचर से भरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी थी वहाँ पे। और कोरल हाइलैंड के जैसे ही हम नीचे गिरते हैं, एक बहुत ही शमशान जैसे सड़ा हुआ हमें इकोसिस्टम मिलता है। तो वो सारी ज़िंदगी जो जनरेट हो रही थी वो मौत से हो रही थी। तो ये है थर्ड फ्लीट मास्टर। अगर तुमको याद होगा शुरू के मिशन में एक एयरशिप इंजीनियर ने हमें कहा था जो थर्ड फ्लीट के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर एक एयरशिप पर अटके हुए हैं, और शायद अभी हम उन्हीं के एयरशिप पर हैं। और एनवायरनमेंट को देखकर ही तुमको पता चल रहा होगा कि जो शिप है वो टेढ़ी है, कहीं ना कहीं पर अटकी हुई है और आगे से टूटी हुई है। तो शायद ही उन्हीं का इलाका है, चलिए इनसे बात करके देखते हैं। तो थर्ड फ्लीट मास्टर बोलते हैं, ओह हेलो, यू आर अवेक, डू यू रिमेंबर योर फॉल? अ फ्रेंड ऑफ आवर्स फाउंड यू नैपिंग इन द वेल एंड कैरीड यू हियर, बट मोर टू द पॉइंट, कांग्रेचुलेशंस, यू फाउंड द थर्ड फ्लीट, आई एम देयर लीडर टू द एक्सटेंट दैट स्टिल मीन्स समथिंग। And this is our research base. Our fleet consists entirely of scholars. Which fleet are you with? And how did you get here? What happened in the Great Ravine? तो यार हम हैं फिफ्थ फ्लीट के, और ग्रेट रिवीन में हमने रोका है ज़ोरा मैकडरोस को। So the Zora Magdaros was the latest elder dragon to make the crossing. And it breached the great ravine when you tried to capture it. Well, I suppose after all this time, we may get to finally do what we came here for. I must say, I am stimulated. Well then, let's not waste any time. We need to pick up Zora Magdaros's trail. An expedition into the Coral Highlands might be fruitful, wouldn't you agree? For obvious reasons, that is what we call the surrounding areas. A nice, thorough expedition should reveal the Highlands' secrets. It's a good idea, is it not? I know, it's a good idea. I came up with it. Now, go quickly. यार बातों से तो काफी नार्सिसिस्टिक लग रही थी।
तो चलिए चलते हैं कोरल हाईलैंड्स पे, लेकिन इससे पहले कर लेते हैं हम अपना वेपन चेंज इक्विपमेंट। और इस बार मैं यूज़ करना चाहूँगा इंसेक्ट ग्लेव को, और इंसेक्ट ग्लेव मैं इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम तुमने देखा होगा कटसीन में जो मॉन्स्टर दिखाया था वो उड़ने वाला मॉन्स्टर था, और उसको देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी तेज़ उड़ रहा था। तो यार उड़ने वाले मॉन्स्टर के लिए मैं वर्टिकल वेपन यूज़ करना चाहूँगा, और इंसेक्ट ग्लेव से बेटर वर्टिकल वेपन तो मॉन्स्टर हंटर में है नहीं। तो हम निकल चुके हैं अपने सफर में कोरल हाईलैंड्स तक। देखो यार, बस एक बार रुक करके यहाँ के एनवायरनमेंट की खूबसूरती को एक बार अंदर लो। डेवलपर्स ने जिस तरह की दुनिया बनाई है, जो जान डाली है इनमें, बहुत ही काबिलियत तारीफ है। तो यार चलते चलते देखते हैं, सबसे पहले तो हम खा लेते हैं मील। एज यूजुअल मैं ऑर्डर करूंगा शेफ चॉइस प्लेटर, 30% हेल्थ बूस्ट और 25% स्टैमिना बूस्ट। यहां पर है केल्बीज, और ये मिले हमें कुछ नए तरीके के जानवर, इनको कहते हैं पता नहीं इनको क्या कहते हैं, एक को मारने के बाद ही पता चलेगा। इनको कहते हैं विंग ड्रेक, और इन विंग ड्रेक्स का नाम है रैफिनोस। तो एक नए तरह का जानवर मिला है, और यहाँ पर तो देख सकते हो नए एंडेमिक लाइफ हमें मिले हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लगते हैं हमिंग बर्ड से। तो चलो यार एक दो को पकड़ लेते हैं। मैंने इक्विप कर लिया है अपना नेट, नाइस। और इनका नाम है एलिगेंट कोरल बर्ड। तो यार ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा समंदर के नीचे से इंस्पायर्ड है। You can use scatter nut as slinger ammo. It's good for staggering monsters. ये तुम देख सकते हो समंदरी शंख जैसे स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर देख सकते हो जेलीफिश जैसे कुछ और चीज़ें जो हवा में उड़ रहे हैं, तो इनको भी पकड़ लेते हैं। एक और, उतने बहुत है। तो इन जेलीफिश का नाम है फ्लाइंग मेड्यूसो, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। वो उड़ कैसे रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं जानता। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देख सकते हो यार जापानी साकुरा ट्री जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स है, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ कोरल स्ट्रक्चर्स है। तो समंदर के अंदर की खूबसूरती है वो ज़मीन के ऊपर आ चुकी है। और हमारे एक्सपेडिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है साइट अ टिट्ज़ियाकू। टिट्ज़ियाकू तो ठीक है, वही करने निकलते हैं। और यहाँ का नज़ारा देखो यार,
अभी तक हमें कुछ नए फुटप्रिंट्स वगैरह मिले नहीं हैं, तो जब तक मिल नहीं जाते तब तक हम वही करेंगे जो हम बेस्ट करते आए हैं, एक्सप्लोर। और ऊपर चल के देखते हैं, क्या हम विगर वास्प को पकड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पकड़ सकते हैं। इनको पकड़ने के बाद अगर गेम एक और मैकेनिक्स लगाता कि इनको पकड़ के इनको बाद में यूज कर सकते हैं, तो गेम में जो इमर्सिवनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाता। पर ठीक है, एक बार में एक डेवलपर कितना ही करे। तो यार वो मॉन्स्टर अभी जस्ट हमारे सामने से निकला, करते हैं उसी का पीछा। स्काउट फ्लाइज हमें कहीं और ही लेकर जा रहे हैं, और मिनी मैप में देखकर लगता है कि ये एक नया स्पॉन पॉइंट लोकेशन है, एक नया कैंप लोकेशन है। तो यार ये था कैंप लोकेशन, तो अभी चलते हैं उस परिंदे की तलाश में, या फिर टिट्ज़ियाकू की तलाश में। लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद होगा हमने हंट में पकड़ा था एक कूलू याकू, तो इन फुटप्रिंट्स को देखकर लगता है हम परिंदे को नहीं पकड़ना चाहते, हम शायद कूलू याकू की तरह दिखने वाले किसी जीव को ही पकड़ना चाहते हैं। लेकिन उसको पकड़ने के लिए चाहिए हमें कुछ नए फुटप्रिंट्स। तो यार नया आइटम हमको मिला है वो है लाइट क्रिस्टल, और इसके पता नहीं क्या यूजेस हो सकते हैं, वो गेम के आगे बढ़ने पर ही पता चलेगा। और ये कुछ नया ही लग रहा है, और इसका नाम है पाओ पाओलूमू। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम लग रहा है, और ये शायद मेन मॉन्स्टर्स में काउंट होता है, तो अभी मुझे नहीं लगता इससे पंगा लेना सही रहेगा। दिखने में ख़तरनाक है, तो अपनी तलाश कंटिन्यू रखते हैं टिट्ज़ियाकू के लिए। अभी तक कुछ खास फुटप्रिंट्स वगैरह हमें मिले नहीं टिट्ज़ियाकू के। बोन पाइल्स, यार कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हें एनवायरनमेंट्स में ऐसे जानवरों की हड्डियां भी मिल जाती है, और उन हड्डियों को ऐसे इकट्ठा करने से तुम्हारे कुछ नए आर्मर वगैरह या फिर कुछ नए रिसोर्सेस वगैरह अनलॉक हो सकते हैं। तो लास्ट टाइम हम शायद इधर पे चढ़े थे, तो इस बार थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ओके, शायद हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंचने ही वाले हैं। तो यार ये है हमारा नया मॉन्स्टर। जीता जागता कैमरा। तो यही है यार टिट्ज़ियाकू, इसका नाम टिट्ज़ियाकू नहीं, इसका नाम नाइकॉन होना चाहिए था, या फिर कैनन।
और मुझे लगता है इस फाइट के लिए इंसेक्लेव नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही छोटा जानवर है ये। तो यार तीनों पावर अप्स हमने उड़ा लिया है। ओके 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 ओके, तो इसके कैमरा लगने से हम हो जाते हैं स्टन, और इसी तरीके से ये हमको देता है डैमेज। तो टेक्निकली ये चीटर है, तो इस चीटर को भी उसी के तरीके से हम हराएंगे। चीटर नहीं, हैकर बोल सकते हैं। तो ये कर दिया हमने टेंडर राइस, और बहुत बुरा शॉट। और इसने कर दिया मेरे को फिर से स्टन। यार ये तो एक्चुअल में हैकिंग है यार, बट कोई दिक्कत नहीं, पहले कर लेते पावर अप खुद को। बहुत बुरा। बहुत बुरा हाल कर रखा है इसने मेरा। सिर्फ एक पावर अप के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा डैमेज ले चुका हूं, लेकिन पावर अप मुझे मिल नहीं रहा। और ये मिल गया मेरे को रेड पावर अप। और रेड पावर अप मिलते ही मैंने कर दिया अपना बवाल शुरू। बच गए अच्छे टाइम पे डॉज रोल, और ये बढ़िया सा इंसेक्ट ड्रिल, और टिट्ज़िया को खत्म। काफी बढ़िया एडवेंचर था, इतना मजेदार नहीं जितना एंजनाथ को मारने में आया था, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अभी हम रिसर्च बेस पे। तो मैंने खोल दिया है अपना मैप, और तो यार ये है बेसिकली ग्रेट जैगरास के कजन्स, ग्रेट जैगरास के नहीं सिर्फ जैगरास के। सो अनलाइक जैगरास ये छिपकलियां कायर नहीं होती। बुरा हुआ, लूटिंग से याद आया मैं टिट्ज़ियाकू को लूट करना ही भूल गया, तो अभी जाके कर लेते हैं।
अब चल लेते हैं हम अपने बेस पे। तो रिसर्च बेस मैं सेलेक्ट करूंगा और उड़ जाऊंगा। इस बार लूट भी काफी कम आई है। यूजुअली क्या रहता है ना कि जब भी तुम एक्सपेडिशन में किसी भी मॉन्स्टर को हंट करते हो तो उसके हिसाब से उसकी लूट बहुत कम रहती है, लेकिन अगर एक्चुअल हंटिंग क्वेस्ट में तुम अगर मॉन्स्टर को हंट करते हो तो उस हिसाब से लूट बहुत ज़्यादा रहती है। आई सी दैट यू हैव रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, अ शेम। एनीवे यू हैव अ विजिटर। तो यार फील्ड टीम लीडर हमसे मिलने आए। वेल लुक हु इट इज, माई टू फेवरेट हार्ड वर्कर्स। द थर्ड फ्लीट मास्टर हियर टेल्स मी यू वेंट आउट ऑन एन एक्सपेडिशन इन द कोरल हाईलैंड्स searching for Zora Magdaros' clues. She also tells me that there is a rotten valley way, way down beneath us, which gave me an idea. If we want to be able to access the veil, we'll need a means to get down there. So I prepared that we resurrect the wrecked base. As in, rigging it with balloons to reconvert it into an airship. And the leader here is all for it. Oh yes, rig to your heart's content. From the air, we'll be able to survey the rotten veil unimpeded. And hopefully, that's where we'll pick up Zora's trail. The airship engineer said he'll take care of the airship construction. All we need to do is deliver the goods. According to the scholars, materials from a monster called the Paulumu are just the ticket. तो यार ये अभी वही मॉन्स्टर की बात कर रहा है जिसको हमने अभी 2 मिनट पहले ही देखा था, और क्योंकि वो उड़ने वाला मॉन्स्टर है मुझे नहीं लगता मैं इंसेक्ट ग्लेव से कुछ और चेंज करने वाला हूँ। If you take care of that Paulumu hunt, that'll free me up to go look for some secondary materials. Deal? Oops. Oh, and here. The old man said to give this to you. It's a specialized tool made using materials from the local monsters. They had a handful of biosamples kicking around in Astera, so they decided to put them to use. The old man said he hopes the new gear helps you out in the field. You'll put it to a good use, I'm sure. Well, let's get to it. Good luck. Their new tool is glider mantle. You can now visit the smithy, you can now visit the resource center. तो यार वो सब बाद में देखते हैं, पहले चलते हैं पाउलुमे के हंट में। तो यार एक और चीज़ है मॉन्स्टर हंटर का, तुम किसी भी नए लोकेशन पे जाओ, तुम किसी भी नए मेन हेडक्वार्टर्स पे जाओ तो वहाँ पर हर जगह तुम्हें स्मिथी वगैरह, स्टॉक पाइल्स, हैंडलिंग वगैरह सब मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये बंदा है स्मिथी, वैसे कहने के लिए इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर तुम नीचे देखोगे तो इसके पास कुछ एग्जिस्टिंग वेपन्स वगैरह है, और वहाँ पर कुछ तो भी केमिस्ट्री कंटेनर्स वगैरह है। बट एनी हाउ देखते हैं। What's up? I came over as hired muscle to watch the field team leader 6, but these days I'm runner for the smithy. I hear it was big brain types out there. The place isn't really kitted out for crafting, especially the whole fire part. So they got me running orders back to Smithy in Astera. You need anything, I'll grab it for you. Seriously, whatever you want, just hit me up. So, you need something? तो यार ये स्मिथी स्मिथी नहीं है, ये बेसिकली एक डिलीवरी बॉय है जो एस्टेरा से कोई भी चीज़ हमें चाहिए होगी तो वो ला करके देगा। तो देखते हैं क्या इंसेक्ट ग्लेव में कुछ नया अपग्रेड अवेलेबल नहीं है। इक्विपमेंट्स में होपफुली टिट्जी आर्मर अनलॉक हो, और टिट्जी आर्मर अनलॉक है। इसमें है ब्लाइंड साइडर, देखते हैं ब्लाइंड साइडर करता क्या है। फ्लैश पॉट्स, ओके। स्टन रेजिस्टेंस, वाइड रेंज और स्लीप रेजिस्टेंस।
जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से निकलते हैं, एक्सेप्ट द क्वेस्ट बलूनिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नई क्वेस्ट के लिए निकलते हैं। I wish we could take to the skies right now, but first we gotta collect these materials. Let's see, look like we are hunting ourselves a Paolung, right? Okay, the post new guest. Aur chalte hai assigned, ballooning problems, and enter. Tar yahi fayda hai multiple weapons seekhne ka. Agar tum ek weapons mein expertise ho jate ho to bahut achhi baat hai. लेकिन अगर मल्टीपल वेपन सीखो तो मॉन्स्टर चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे उड़ने वाला हो चाहे भागने वाला हो, तुम्हें हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्सेटिलिटी मिल जाएगी। और यार ऐसे एनवायरनमेंट को देखता है कि मॉन्स्टर हंट करे या एनवायरनमेंट में गुम हो जाए। यहाँ पर हर एक इंच में, हर एक स्टेप में इतने ज़्यादा डिटेल्स भरे हुए हैं। तो यार देख सकते हो काफ़ी सारे पावलुओं में के फुटप्रिंट्स हैं। कहने के लिए उड़ने वाला प्राणी है तो मुझे नहीं पता वो जमीन पे इतना क्यों लैंड करता है। तो यार स्काउट फ्लाइज ने कर लिया है पावलुमू को ट्रैक। और अभी हमारा काम है पावलुमू को पीसफुली रीलोकेट करना, और रीलोकेट करना है हमको उसको स्वर्ग में। तो यार लिटरल बलून जानवर। पहला शॉट नॉट बैड। तो मुझे जितना देखकर लग रहा है ये जमीन के ऊपर काफी कमजोर है, तो बेस्ट तरीका रहेगा इसके ऊपर सवार होके इसको मारने का। पहले कर लेते टेंडराइज। और जितना इसका मूव सेट में देख रहा हूं उतना मेरे को लग रहा है कि वो हवा को कंट्रोल कर सकता है। बढ़िया शॉट, बहुत ही गंदी दहाड़ है इसकी, तो इसके दूसरे पंख को भी पकड़ के टेंडराइज कर लेते हैं। बुरा वक्त। तो यार लगता है अब हो चुका है इसका पूरा शरीर अभी टेंडराइज, तो हम हो गए इसके पर भी सवार। इंसेक्ट ग्लेव का यही फायदा है, तुम मोस्टली जो डैमेज देते हो वो एयरबॉर्न डैमेज होता है। और एयरबॉर्न डैमेज से तुमको यही फायदा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी मॉन्स्टर का जो राइडिंग थ्रेशोल्ड है उसको कंप्लीट कर लेते हो। और यहां पर मेरे को ये समझ नहीं आता ये परिंदा है या सांड।
चल देते हैं इसके पीछे। क्लोज कॉल, सारे पावर हमने कर लिए इकट्ठा। इंसेक्ट भी चार्ज हो चुका है और ये बढ़िया शॉट। बहुत ही अच्छे टाइम पे हमने जंप लगाई। गलत टाइमिंग। तो यार अब टिट्ज़िया को और ये आ चुके हैं, अब शायद इनके बीच में टर्फ वॉर होएगा या फिर शायद नहीं। तो यार टिट्ज़िया को आया, इसने इसकी फोटो ली 4K में और चला गया। व्हाट अ लेजेंड। लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे इग्नोर करो, लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे इग्नोर करो जैसे टिट्ज़ियागो ने मुझे और पाउलो मू को किया। तो यार ये इस गेम का है एक और बढ़िया मैकेनिक, जो बेसिकली है मॉन्स्टर के AOE अटैक्स, यानी कि एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक्स। कहने का मतलब है जैसे कि पाउलोमू जो है वो हवा वगैरह कंट्रोल कर सकता है और उसके उड़ने से ही उसके पंखों का जो प्रेशर है वो तुम्हें अफेक्ट करेगा और कुछ मोमेंट्स के लिए तुम हो जाओगे स्टन, जैसे कि यहाँ पर हो गया था मैं। तो फॉलो करते हैं हम स्काउट फ्लाइज को, देखते हैं कुछ नया है क्या नहीं हमारे लिए। स्टैमिना बार हो चुका है कम, तो मैं खा लूँगा एक रेशन का टुकड़ा। ओके, तो यार ये है मॉन्स्टर हंटर का एक मैकेनिक, जिसमें कभी भी कोई भी मॉन्स्टर जो है वो अगर थक जाए तो अपने नेस्ट में आकर सो जाता है। और ये एक और चीज़ है जो मॉन्स्टर हंटर कभी बोलता नहीं है, अगर तुम एक सोते हुए जानवर को पहला हिट जो होगा वो तुम्हारे रेगुलर हिट से डबल डैमेज करेगा। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा इसको हेडशॉट देने की। लास्ट पावर अब मैं उठा चुका हूँ और एक और हेडशॉट, बहुत सही। मिस्ड। करने क्या वाला है, म्यूजिक तेज हो रही है। अरे कैसे कैसे, तो यार इसी सीन से तुम्हें पता चल रहा होगा मॉन्स्टर्स का इंटेलिजेंस कैसा है। उसने बेसिकली हमको बेट किया उसको इग्नोर करने के लिए, और जैसे ही हमने इग्नोर करा उसने पीछे से आके हमें वार करना शुरू कर दिया।
तो यार पावलू मुंह हो चुका है खत्म। और इसके मरे हुए शरीर से यार थोड़े इसके डिज़ाइन को रीड करते हैं। तो जैसा कि तुम देख सकते हो इसके पास भी फ्लैट टेल है जो बेसिकली बीवर से इंस्पायर्ड है, और इसका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैट चमगादड़ों वगैरह से इंस्पायर्ड है। गर्दन का मुझे नहीं पता, बहुत ही ओरिजिनल डिज़ाइन है गर्दन का फूलना। और यहाँ के इसके स्केल से देख सकते हो कि बहुत ही रेप्टिलियन जैसा है लेकिन बहुत ही एवियन जैसा भी है। स्केल धीरे धीरे हो करके बॉडी के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं और वहाँ से इसके फर वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन चॉइस है। तो ये है पावलोमू का नेस्ट। इस बार भी काफी कम हार्वेस्ट हमें मिला है। ऑलराइट, तो थर्ड फ्लीट मास्टर कहती है, एट लास्ट द बलून्स हैव बीन रिग्ड एंड द एयरशिप इज रेडी, ऑल थैंक्स टू यू द एयरशिप इंजीनियर एंड द एयरशिप इंजीनियर। We have completed preparations on our side as well. We can depart whenever you are ready. However, I do have one thing worth mentioning. We never bothered with a test flight. That's not going to be a problem for you, is it? When you're ready, just say the word and we'll make our descent into the Rotten Vale. Shouldn't you prepare before you head down to the Rotten Vale? बिल्कुल सही कहा हैंडलर। रोटन वेल जाने से पहले सबसे पहले तो मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले मैं निकलूँगा एस्टेरा के लिए, या फिर जितने भी येलो मार्कर्स वाले लोग हैं यहाँ पर उनका डायलॉग पढ़ लेते हैं। तो है रिसोर्स सेंटर। ओए, व्हाट डू यू वांट? ओह सॉरी अबाउट दैट, आई थॉट यू वर दैट लाउड माउथ स्मिथी वेंडर किड कमिंग अप हियर टू अननॉय मी अगेन। Anyway, welcome to the finest resource center around. Well, I guess it's the only resource center around here. But none of that matters. Let's get to business, I care to have a look. तो यार ये सेम ही चीज़ है रिसोर्स सेंटर, जहाँ पर हम लोग यूजुअली बाउंटीज वगैरह रजिस्टर करते हैं। तो ये जैसे कि तुम देख सकते हो रीबिल्ड फॉरेस्ट कैंप, फील्ड रिसर्च। तो लिमिटेड में हमारे पास है एडवांस क्या कहते हैं कंप्लीट टू इवेंट क्वेस्ट। तो यार इससे पहले कि हम लोग थर्ड फ्लीट मास्टर से बात करें, ये लिमिटेड एडिशन क्वेस्ट हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें करना है 2 इवेंट क्वेस्ट कंप्लीट और क्लियर 1 क्वेस्ट इन द स्पेसिफाइड लोकेल। अच्छा, तो एंशिएंट क्वेस्ट में कोई तो भी एंशिएंट फॉरेस्ट में कोई तो भी एक क्वेस्ट कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट लिमिटेड बाउंटी के लिए कंप्लीट ऑल द लिमिटेड बाउंटीज, ठीक है। लास्ट वाला कर नहीं पाएंगे क्योंकि तीन क्वेस्ट में अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो पहले के 2 हम करेंगे। तो लेट्स सी, तो चलते हैं हम हैंडलर के पास। हैंडलर के पास जाने से पहले बाकी के येलो मार्कर लाइंस पढ़ लेते हैं। फील्ड टीम लीडर कहते हैं, आई सी यू गॉट इन योर हैंड्स ऑन सम स्पेशलाइज्ड टूल्स। डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टूल्स विल हेल्प यू आउट इन डिफरेंट वेज व्हेन यू यूज देम ऑन क्वेस्ट्स। जस्ट डोंट फॉरगेट टू इक्विप देम, यू कैन मैनेज देम इन योर इक्विपमेंट बॉक्स जस्ट लाइक ऑल ऑफ योर अदर गियर। वंस यू आर आउट ऑन द क्वेस्ट यू कैन यूज द स्पेशलाइज्ड टूल द सेम वे एज आइटम्स। For now, the equipment you've got is all we have managed to complete, but more is supposedly coming down the line. Exciting, huh? तो यार ये थे फील्ड टीम लीडर, और जैसे कि तुम देख सकते हो एयरशिप इंजीनियर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं। Right. I meant to tell you, I was wandering the Coral Highlands looking for materials for the airship, and I got to thinking.
It will be a lot easier to move around the Coral Highlands if I put together a rope lift. So I put in a request at the resource center for the paths I need. I'm counting on you. I think it would make things a lot more convenient, so it'd be great if you could help out. I'm counting on you. तो यार बात हो रही है एक रोप लिफ्ट क्राफ्ट करने की पूरे कोरल हाइलैंड्स में ट्रवर्सल के लिए, और यह है एल्डर मेल्डर। Hey there, would you mind taking this? It's a charm. It's the subject of all my research. I believe it may improve one of your equipment skills or even give you a new one. Go on, give it a try. Since being stranded in the Coral Highlands, I have been studying the first Vivarian smelting techniques. It's been a long, arduous process, but at long last, I have managed to produce this one charm. I've been waiting for ages for a hunter to come along and try it out in the field. Give it lots of love for me, okay? Defense charm. तो यार चार्म इस गेम के एक और आर्मर की तरह समझ सकते हो। तो बेसिकली चार्म्स कैसे काम करते हैं ना, तुम्हारे पास अलग अलग स्किल्स के लिए अलग अलग चार्म्स मिल जाते हैं, और उन चार्म्स को लेकर के तुम अपने स्किल सेट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें इक्विप कर सकते हो। तो जैसे कि मैं जाता हूँ चेंज इक्विपमेंट में हंटर पे, और देखो जैसे कि यहाँ पर नो इक्विपमेंट लिख रखा है, तो यहाँ पर मैं इक्विप कर लूँगा डिफेंस चार्म। और ये चार्म्स वगैरह भी अपग्रेडेबल होते हैं, तुम्हें कुछ अलग मटेरियल्स वगैरह चाहिए होगा चार्म्स को अपग्रेड करने के लिए। तो व्हाट्स नेक्स्ट ओके, चलते हैं अभी हैंडलर के पास और कंप्लीट करते हैं कुछ इवेंट क्वेस्ट। तो ये किताब नहीं दिखा रही, शायद हमें एस्टेरा वापस जाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम एस्टेरा फिर से ट्रेड यार्ड पे, और वहीं से हम लोग शुरू करेंगे नए इवेंट क्वेस्ट्स। पोस्ट न्यू क्वेस्ट इवेंट्स। तो यार दो इवेंट क्वेस्ट है जो करने लायक है, जो है टिम्बरलैंड ट्रबल मेकर्स यानी कि दो एंजनाथ को मारना, और दूसरा है एक पुके पुके और एक टू बी कड़ाची। तो सबसे पहले यार मुझे पसंद है चैलेंज, और मैं चूज़ करूँगा एंजनाथ के क्वेस्ट को, और मैं इक्विपमेंट उठाऊँगा लॉन्ग शॉट। पहुंच चुके हैं हम एंशिएंट फॉरेस्ट पे, और अभी हमें ट्रैक करना है एक एंजनाथ को। लास्ट टाइम हमें एक ही टीरेक्स से लड़ते लड़ते हालत टाइट हो गई थी, इस बार दो टीरेक्स से लड़ना पड़ेगा। और अगर वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं और उनके बीच में टर्फ वॉर नहीं होता है तो समझ लेना कि गेम ओवर है। अगर टर्फ वॉर होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अभी तक कुछ क्लूज नहीं मिले, कुछ फुटप्रिंट्स वगैरह नहीं मिले, और यह है पहला क्लू। इन चपकलियों को किसी और चीज़ की फुर्सत है नहीं, बस दूसरों के काम में टांग अड़ाने आ जाते हैं। बट जंगल का इकोसिस्टम वही है, अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो गेम इतना बिलीवेबल नहीं होता। तो यार ये है, आ चुका है एंजनाथ। तो मैं क्या करूँगा, स्टेल्थ मोड पे जाऊँगा,
बहुत बुरा हाल। मेरी हेल्थ सिर्फ दो हिट में खत्म हो चुकी है। डायनासोर पागल हो चुका है दोस्तों, इससे पहले कि ये और पागल हो जाए इसको कर देते हैं हम वॉल बैंक। को लेकर आते हैं पत्थर के नीचे, और पत्थर के नीचे जैसे ही ये बेट होता है उस पर हम पूरा पत्थर ही गिरा देंगे। तो इधर आ, पास आ, और पास, और पास। बहुत अच्छा शॉट, और हम पर भी पत्थर लग चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से पैर को टेंडराइज कर लेते हैं। फोरसाइट, फोरसाइट, गलत मूव। यहां पे मैं करूंगा खुद को हील। हो चुका हूं मैं इस पे सवार। इसका हेल्थ पूल बहुत ज्यादा है, तो अभी तक फिनिशर नहीं आया, और आ गया फिनिशर। ओके नाइस, स्पिरिट गेज छूट गया अपना। एक बार फिर कोशिश करेंगे। तो यार ये एक और चीज़ है जो गेम की बहुत इरिटेटिंग है। बेसिकली अगर तुम्हारा स्पिरिट गेज फुल हो और तुम एक शॉट को मिस कर देते हो ना, तो स्पिरिट गेज पूरा ही ख़त्म हो जाता है। क्या इसको पकड़ा पकड़ी खेलनी है क्या? बहुत सही टाइम पे फोर स्ट्राइक स्लैश था। तो यार जो अभी अभी मैंने किया वो था ईआई स्पिरिट स्लैश। तो ईआई स्पिरिट स्लैश क्या करता है ना, जैसे ही मॉन्स्टर का अटैक तुम पर पड़ने वाला होता है, उसी टाइम पे अगर तुम ईआई स्पिरिट स्लैश करते हो तो मॉन्स्टर के अटैक को काउंटर कर देता है, और तुम्हारा स्पिरिट गेज भी नहीं हटता। बट हाँ, अगर तुमने ईआई काउंटर करते टाइम करेक्ट टाइमिंग पे स्पिरिट स्लैश नहीं डाला, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा स्पिरिट बार जो है वो कम हो जाएगा। पूरा हिट, पूरा हिट। इससे पहले और कुछ हो मैं खुद को हील कर लेता हूं।
तो कहाँ था मैं, ईआई स्पिरिट स्लैश। तो यार जैसे कि तुमने देखा मॉन्स्टर ने जैसे ही मुझे अटैक किया मैंने उसी टाइम पे ईआई स्पिरिट स्लैश मारा, तो उसका अटैक और मेरा अटैक एक ही टाइम पे कनेक्ट हुए, जिसका मतलब है कि मेरा जो स्पिरिट गेज है वो घटा नहीं और मॉन्स्टर को बहुत बड़ा डैमेज भी लगा। लेकिन अगर मॉन्स्टर का अटैक और तुम्हारा अटैक एक ही टाइम पे कनेक्ट नहीं होते तो तुम्हारे स्पिरिट गेज से थोड़ा सा मीटर हट जाएगा। तो एंजनाद हो चुका है ख़त्म और अभी हमें एक और हत्या करनी है। तो यार हत्या करने से पहले प्रिपेयर कर लेते हैं खुद को। सबसे पहले कर लेते हैं हम ब्लेड को शार्प। और चल लेते हैं हम हंट के लिए। जैगरास को इग्नोर करते हैं, वैसे ही किसी काम के होते हैं नहीं है। मैं अपने मिनी मैप में देखूंगा एंजनाथ कहां पर है और उसके लोकेशन को यहां पर मैं ऐसे मार्क कर दूंगा और स्काउट फ्लाइज मुझे उसकी तरफ लेकर चलेंगे। भले ही स्काउट फ्लाई ने सेंट पकड़ लिया हो पर यार फुटप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट करना यार बहुत ही अच्छी आदत रहती है, क्योंकि अगर तुम फुटप्रिंट्स कलेक्ट करते रहे, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया होगा, तुम्हारी रिसर्च पॉइंट्स उस मॉन्स्टर को लेकर के बढ़ते जाते हैं और रिसर्च पॉइंट्स बढ़ेंगे तुम्हारी लूट क्वालिटी बढ़ेगी और तुम्हारी लूट क्वालिटी बढ़ेगी और एक ही बार में स्कॉट फ्लाइज सेंट पकड़ लेंगे मॉन्स्टर का। तो यार इस बार मुझे काटनी है इसकी पूंछ, तो यही कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा फोरसाइट स्लैश। तो यार जैसा कि तुम देख सकते हो मिनी मैप में पर्पल आइकॉन आया है। यार इतना क्यों मिस कर रहा हूं मैं? और पर्पल आइकन का मतलब है कि हम लोग उस टाइम के लिए हिडन थे और हिडन इसलिए थे क्योंकि उन कॉटन के प्लांट्स की वजह से हम पे स्मोक इफेक्ट आ चुका था और हम स्मोक के अंदर छिप गए थे, तो मॉन्स्टर ने हमारा ट्रैक लूज कर लिया था। और ये कट चुकी है अंजनाद की पूंछ। बहुत ही सरप्राइजिंग सा रोर था वो। फोरसाइट स्लैश। और ये लगा हेल्म ब्रेकर। नाइस शॉट। तो इसके सर को पकड़ते हैं और करते हैं टेंडराइज एक और बार। बहुत अच्छी फोर्स लाइट। नो, लगता है मैं खत्म पक्के से। जैसा कि मैंने सोचा था, एक बार उसके जबड़े में हम दब गए तो हम खत्म। बहुत ही बड़ा डैमेज दिया उसने, पर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अभी भी दो ट्राइज बाकी है। तो मैं यार इक्विपमेंट चेंज करूंगा, मैं जाऊंगा ग्रेट स्वॉर्ड के साथ और अभी इसको थोड़े बड़े डैमेजेस देने की कोशिश करूंगा।
टीरेक्स ने अपनी लोकेशन अभी तक चेंज नहीं करी। फुल चार्ज, बढ़िया शॉट, एक और। मिस्ड। स्कैटर नट निकाल लेते हैं, स्कैटर नट क्योंकि थोड़ा हैवी एमो टाइप का है और स्कैटर नट से मॉन्स्टर को तुम स्टन कर सकते हो। तो ये मॉन्स्टर हो चुका है स्टन और यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक ग्रैपलिंग भी है। तो ग्रैपलिंग बी का फंक्शन क्या होता है ना, तुम यहाँ पर अगर ग्रैपल करते हो ऐसे झूल सकते हो। बहुत ही क्लोज था वो और मॉन्स्टर को एयरबोर्न अटैक, नहीं, मिस्ड। और इसने फिर से मुझे वही अटैक दे दिया है और शायद मैं फिर से ख़त्म होने वाला हूँ। इस बार बांकड़ बिल्ले ने बचा लिया हमें, तो वेज बीटर में फिर से हो जाऊंगा अटैच। बहुत अच्छा शॉट था वो दोस्तों, एक ही बार में पूरा थ्रेशहोल्ड कंप्लीट। और ये है चार्ज स्लैश, 174 का डैमेज और एंजना डाउन और टाइम आता है ट्रू चार्ज स्लैश का और एंजना खत्म। 150 से ऊपर के डैमेज थे वो लास्ट के दो शॉट। लेकिन यार हमने एक गलती कर दी कि एंजनाथ के पूछ को लूट करना भूल गए। कोशिश करते हैं भग के वहाँ तक जाने की, 60 सेकंड के अंदर शायद जाना पाए, अभी तो 40 सेकंड हो चुके हैं। 30 सेकंड शायद पहुँच सकते हैं, पहुँच गए, नाइस। तो यार मॉन्स्टर के पार्ट्स काटने का ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि तुम उस पार्ट को अलग से हार्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि तुम जितना मॉन्स्टर से हार्वेस्ट कर सकते हो विच इज 3 times, तो एक और बार तुम्हें हार्वेस्ट करने को मिल जाता है। काफी मजेदार हंट था वो दोस्तों। टिट्ज़ियाकू से तो बहुत ही बेहतर। तो यार अभी करते हैं एक और इवेंट क्वेस्ट जो जो कि शायद पुके पुके और टोबी कडाची का था, जो है इवेंट क्वेस्ट 2। तो इसके लिए मैं कोई दूसरा वेपन यूज़ करना चाहूँगा और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा, कोशिश करेंगे इस बार स्विच एक्स यूज़ करने की। स्विचैक्स टोबी कडाची के लिए बहुत ही बुरा मैचअप है क्योंकि टोबी कडाची के मूव्स यूजली बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और स्विचैक्स से अपना जो प्लेयर है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है। तो हमेशा की तरह जैसा मुझे लगता है पुके पुके अपने ही एक लोकेशन पे रहेगा, तो चलते हैं उसकी तरफ। और हमेशा की तरह ये यहीं पर है। कर देते इसको वॉल बैंक। इसको कर दिया हमने टेंडराइज।
तो यार उस दहाड़ के टाइम पे तुमने देखा होगा हमने बहुत ही सही टाइम पे डॉज रोल किया, तो उसी के लिए हम दहाड़ से स्टन नहीं हुए। देख चुके हो यार अपना एक्स चार्ज हो चुका है, अभी हमें चार्ज करना है अपना स्वॉर्ड और उसके बाद हम पूरा एलिमेंटल डिस्चार्जेस के ऊपर उतार सकते हैं। पूरा मूव बांकड़ बिल्ले ने हमें बचा लिया है। इसी के सर पे मैं मारूंगा अभी एलिमेंटल डिस्चार्ज और पुके पुके खत्म। नाइस वन। तो यार अभी हम चुके हैं, अभी हम हो चुके हैं जहर से अफेक्टेड। और यही फायदा है जब भी तुम एक्सपीडिशंस वगैरह पे निकलो तो तुम प्लांट्स वगैरह कलेक्ट करते जाओ, उसी से तुम्हें एंटीडोट्स, उसी से तुम्हें पोशंस वगैरह सब कुछ फुल होता रहेगा। जैगराज नहीं, मुझे पौधे को कलेक्ट करना था, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तलाश शुरू होती है टोबी कडाची की, और जितना मेरे को याद है टोबी कडाची यूजुअली सबसे वो ऊपर के नेस्ट में रहता है, तो सबसे पहले वहीं से ढूंढना शुरू करते हैं। शायद स्काउट फ्लाइज ने किसी का सेंट पकड़ा है तो वहीं पर जाके देख लेते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये पूके पूके की मरी हुई लाश के पास ही जा रहे हैं। ऑफ कोर्स क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? शायद मैंने लास्ट टाइम इसे लूट नहीं किया था और इसीलिए स्काउट फ्लाइज मेरे को यहाँ तक वापस लेके गए। तो यार ये एक और बहुत ही अच्छा मैकेनिक है, तुम अगर मॉन्स्टर को लूट वगैरह करना भूल जाते हो तो स्काउट फ्लाइज तुम्हें वहाँ पर फिर से ले करके जाएंगे। मैं कर लिया एमओ चेंज और अब मुझे ढूंढना है एक टोबी कडाची। बहुत ही एक भूल भुलैया की तरह है एंशिएंट फॉरेस्ट, लाइफ से भरा हुआ है लेकिन खुद की अच्छाई के लिए ही कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग मैप है ये। तो जिनसे अभी बात हुई वो थे एक फर्स्ट वाइवेरियन जो न्यू वर्ल्ड में सबसे पहले आने वाली प्रजाति थी, वो उन्हीं का एक हिस्सा थे। कहने के लिए तो वो इंसान की तरह दिखते हैं लेकिन इंसान है नहीं। बोन पाइल्स को कलेक्ट करेंगे, क्या पता कौन से नए रिसोर्सेस वगैरह मिल जाए। जागरास को करते हैं इग्नोर। तो यार देख सकते हो कि बारिश हो रही है और मैप में रात भी हो चुकी है, तो दिखने में काफ़ी मुश्किल हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और ये शायद हमें मिल चुका है टोबी कडाची का पहला फुटप्रिंट। और
और यह दूसरा फुटप्रिंट, इसका मतलब है टूबी कराची इस डायरेक्शन में गया है। तो हम जिस तरफ से आए थे वो उसी तरफ था, लेकिन फुटप्रिंट्स उसके उल्टे थे, पता नहीं क्यों। शायद मॉन्स्टर के मैकेनिक्स ही ऐसे हैं कि वो एक ही जगह पे बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, और क्योंकि जो उसका डिसाइडेड पाथवे होगा उसी डिसाइडेड पाथवे पे हमें फुटप्रिंट्स मिलते हैं। और जैसा कि मैं अभी कन्फ्यूज़ हुआ, वैसे प्लेयर को कन्फ्यूज़ करने के लिए ही ऐसा सिस्टम बनाया गया है। सुसाइड पॉइंट। बहुत करीब लग रहे हैं हम अभी टोबी गडाची के। ओके, तो टोबी गडाची यहां पर सोया हुआ है, तो इसको हम देंगे एक वेकअप हिट। लेकिन वेकअप हिट के लिए हमें खुद को पहले सही से सेटअप करना पड़ेगा। बहुत अच्छी वेकअप हिट थी वो। तो वेकअप के बाद करते हैं इसको एक बार वॉल बैंक। बुरा डॉज, एक और बुरा डॉज। मैं कर लूंगा खुद को हील। वॉल बैंक, और ये हो चुका है टेंडराइज। जैसा कि देख सकते हो यार, स्वॉर्ड हो चुकी है चार्ज, और अभी मैं चढ़ जाऊंगा इसके ऊपर और करूंगा डिस्चार्ज, लेकिन उससे पहले ही इसने मुझे फेंक दिया। एक और बार कोशिश करेंगे, और डिस्चार्ज सक्सेसफुल, और टू वी कडाची खत्म। बहुत ही तेज हंट, बहुत ही आसान हंट, और हंट इसलिए आसान नहीं क्योंकि हम लोगों ने बेटर खेला, हंट इसलिए आसान हुआ क्योंकि हम लोगों ने वेपन्स को टाइम टू टाइम अपग्रेड करा। लास्ट टाइम अगर तुमको याद होगा, हम लोग वाइट लेवल के लॉन्ग सोर्ड से टोबी कडाची को हमने हंट किया था, और इस बार हम लोगों के पास ग्रीन लेवल का वेपन है, तो उसी हिसाब से हमारा डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और हंट भी इसलिए बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। काफी अच्छे अमाउंट में हमें लूट मिली है। तो यार अभी जाकर देखते हैं एक बार थर्ड फ्लीट मास्टर के पास, देखते हैं उनके पास हमारे लिए क्या नया क्वेस्ट है। But I am prepared.
Ready to descend into the Rotten Vale? Yes. All right. First, we need to look for a place to touch down. Once we reach our destination, you may depart and make camp preparations. Then it's back to the usual order of business, finding Zora Magdaros' trail. Now, I want you to pay close attention. While you are down there, think long and hard. What is the Rotten Vale? How does it connect to the Coral Highlands? Well then, off you go. तो यार जैसा कि मैंने बताया था कुछ मोमेंट पहले, रोटन वेल का कोरल हाईलैंड से बहुत बड़ा कनेक्शन है. कोरल हाईलैंड में ज़िंदगी भरी हुई है, जबकि रोटन वेल पे क्या कहते हैं, डेथ स्टेंच जैसा एनवायरनमेंट है उसका. तो उस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, कोरल हाईलैंड में जितनी ज़िंदगी है उसको सपोर्ट करने के लिए, रोटन वेल पे किसी ना किसी को मरना पड़ता है. तो यार चल पड़े हैं हम लोग एक फ्लाइंग टाइटैनिक पे. ओवर देयर, व्हाट डू यू थिंक? वेरी वेल. टिट्ज़ियागु की लाश, और इन्हें मॉन्स्टर का नाम है ग्रेट गीरोस. This will definitely complicate setting up camp. I know. पर जैसे कि हमारे पास थे पहले ग्रेट जैगरास, अभी हमारे पास आए हैं ग्रेट गीरोस. और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसके साइड में जो छोटी छिपकलियाँ थी उनको गीरोज ही कहते होंगे. और इन मॉन्स्टर्स को देखकर लगता है अगर मैं महाराष्ट्रियन होता तो मैं एक हाथ से कंट्रोलर लेकर गेम खेल रहा होता. पर उसकी बाद में पहले करते हैं हम लोग अपना वेपन चेंज. और इस बार मैं यूज़ करना चाहूँगा डुअल ब्लेड्स, लेकिन डुअल ब्लेड्स अपग्रेडेड नहीं है तो मैं यूज़ करूँगा हंटिंग हॉर्न, जितना मुझे लगता है ग्रेट गीरोस को अभी हंट करने का ही क्वेस्ट मिलने वाला है. तो कर लेते हैं खुद को रिफ्रेश और चल लेते हैं हंट के लिए. स्लिंगर टॉर्च. तो यार ये है रॉटन वेल. लास्ट टाइम कोरल हाइलैंड्स को जो हमने देखा तब उसमें खूबसूरती थी, और रॉटन वेल उस खूबसूरती का बदसूरत हिस्सा है. और सुनकर तुम्हें सरप्राइजिंग लगेगा कि ये दोनों इकोसिस्टम तो नहीं कह सकते, ये दोनों मैप्स एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है, और उस इकोसिस्टम का नाम है द ग्रेट रिवीन. एक तरफ जहाँ तुम्हें लाइफ देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ तुम्हें सिर्फ डेथ देखने को मिलेगा. जैसा कि तुम देख सकते हो, जानवरों की हड्डियाँ, स्कैवेंजर्स कीड़े. और ये पता नहीं किसकी टट्टी है, चमकीली टट्टी. तो यार यहां पर देख सकते हो कितने सारे मॉन्स्टर्स यहां पर आके मर जाते हैं, और उनकी हड्डियां कैसे गिरी हुई है. यार इतने बड़े हड्डियों का ढांचा पता नहीं किस मॉन्स्टर का होगा.
एंजनाथ इतना बड़ा होता है नहीं। ओके तो यहाँ पर हमें मिला है एक और बांकड़ बिल्ला। तो यार जब भी तुम्हें किसी भी मैप में नए पैलिकोस मिलते हैं ना, तुम्हारा खुद का बिल्ला उन बिल्लों के साथ दोस्ती कर लेता है और वो बिल्ले तुम्हारे उस स्पेसिफिक मैप में साथ देते हैं कुछ भी नए रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करने का, कुछ भी नए लूट वगैरह जो तुमने रास्ते में छोड़ दिया हो वो सब कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से हमें शायद जाना हो आगे की तरफ। और हम आ गए उसी एरिया पे वापस। तो शायद यहाँ से वापस जाने का रास्ता यही है और दूसरी तरफ एक बार सर्च करके देख लेते हैं। काफी बड़ा ड्रॉप है। ओके तो यहाँ पर आ चुके हैं। मूवमेंट स्पीड वगैरह हमने बढ़ा ली और चल के देखते हैं। तो यार तुम जो ये देख सकते हो ना, ये है रोटेन वेल की सड़ी हुई बदबू। और अच्छा तो यार इस बदबू को सूंघ लेने से ही मेरी हेल्थ ड्रॉप होने लगेगी। जैसे कि पहले ही ये गेम चैलेंजिंग नहीं था, अब एनवायरमेंटल डैमेजेस भी डाल लो। बहुत सही, इनको इग्नोर करते हुए मैं चलूंगा आगे। और ये मिल चुका है मुझे ग्रेट कीरोस। और मैं बना चुका हूं कुछ हेल्थ पूल्स। और हेल्थ पूल्स मैंने दोस्तों इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि इस मैप में मेरी वैसे ही पैसिव हेल्थ ड्रेन होने वाली है और अगर मैंने हेल्थ पूल नहीं बनाया तो वैसे ही मारा जाऊंगा। और ये इन्होंने कर लिया है मेरे को पैरालाइज, और ये कर दिया दूसरी बार पैरालाइज। इससे पहले कुछ हो मैं खुद को कर लूंगा हील। बहुत ही बुरी टाइमिंग। बहुत ही अच्छा हिट। जैसा कि आप तुम देख सकते हो मेरे को बार बार पैरालाइज करने में लगा है। और बांकड़ बिल्ली की बदौलत ही अभी हम जिंदा है। अच्छा डॉज, बुरी टाइमिंग।
तो यार बंदा लगा है, गिरगिट लगा है छटपटाने, गिरगिट या छिपकली कुछ भी बोल लो। तो इसको मैं करूँगा वॉल बैंक। अच्छा वॉल बैंक हुआ नहीं वैसे, लेकिन गुस्सा ज़रूर हो गया। बहुत ही बुरा हिट, बहुत ही अच्छा हिट। लास्ट मेलोडी भी मैं प्ले कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं चलूंगा ग्रेट गीरोज के पास। ग्रेट गीरोज अभी भी एग्रोड ही लग रहा है और उसका लोकेशन है यहां से ऊपर। कुछ कुछ एरियाज ऐसे ही होते हैं कि मॉन्स्टर चढ़ जाएगा लेकिन तुम नहीं चढ़ पाओगे, और ये उनमें से एक है। बहुत ही अच्छा शॉट था वो, और ग्रेट गीरोज हो चुका है दोस्तों ख़त्म। और यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ अपने सारे पावर अप्स को रीलोड। तो हंटिंग हॉर्न के साथ जो भी तुम्हें पावर अप्स मिलते हैं उन पावर अप्स को तुम्हें बार बार रीलोड करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम बाद उन पावर अप्स का टाइम अप हो जाता है। तो यार ये कर लिया हमने ग्रेट गीरोज का हंट, देखते हैं इस तरफ क्या है। हाँ आगे चल के देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये गिरगिट लोग हमारे पीछे पड़ चुके हैं। यहाँ से जितनी जल्दी निकलो उतनी जल्दी उतना मेरे लिए अच्छा है। जितना यहाँ पर रुकोगे उतना हेल्थ ड्रेन होता रहेगा। और शायद हम पहुँच चुके हैं डेड एंड पे, तो रास्ता यहाँ पर नहीं है। लिखा है इन्वेस्टिगेट द रॉटन वेल, शायद कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो हमें वहीं वापस जाना होगा जहां से हम शुरू में आए थे। यहां पर उस टेंच की मात्रा काफी कम लग रही है, या फिर शायद नहीं। तो जैसा कि तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं रास्ता भूल चुका हूं यहां पे। अब बहुत सही, एक और डेड एंड, या फिर शायद मैं इधर से जा सकता हूं। नाइस,
काफी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं इधर पे। ऐसे लग रहा है किसी ओ नाइस। तो वो हड्डियां इस मॉन्स्टर की थी और ये एनवायरनमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इस मॉन्स्टर का खुद का पर्सनल स्लॉटर हाउस है। ओके, तो हमें करना है इसको हंट, ठीक है। बहुत ही बुरा मैचअप लग रहा है हंटिंग हॉर्न इस मॉन्स्टर के लिए। कुछ करने से पहले सबसे पहले हम कर लेते हैं वेपन को शार्पन। बहुत अच्छा शॉट था वो। इसका एक्सोस्केलेटन बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा है। ऐसा लग रहा है कि उसके निकलने का या फिर बंद होने का स्केलेटन कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म, कुछ एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये उसका स्केलेटन ही ना हो और ये बंदा यहां पर मिलने वाले दूसरे जानवरों के स्केलेटन को अपना आर्मर बना लेता है और इसी कारण इसके रोल करते टाइम स्केलेटन इसके शरीर से गिरते रहते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट। बहुत ही बुरा डॉज। अरे यार, तो इसका चिन बेसिकली थैनोस की तरह है और इसका मेन अटैक है थैनोस चिन हैमर। ऐसी कोई चीज है नहीं, वो मैंने ऐसे ही रियल टाइम में बनाकर बोला। मौका देख करके इसको टेंडराइज करने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा था, इसकी हड्डियां इसकी खुद की हड्डियां नहीं है। इसने बस रोटेन वेल के जितने भी मरे हुए जानवर है। बहुत जल्दी मैंने रोल कर दिया। चार हड्डियां तोड़ दिया हमने। तो यार मैंने कर लिया ईयर प्लग्स की एक्टिवेट। जैसा कि तुम देख सकते हो, हंटिंग हॉर में सिर्फ बटन स्पैम करना ही सही नहीं है,
बल्कि तुम कौन सा बटन दबा रहे हो वो भी तुम्हें अच्छे से देखना पड़ेगा, ताकि जितने भी बटन के साथ जो मेलोडीज अवेलेबल रहती है, तुम उनको उसके साथ प्ले कर सको। और रेडोबैन हो चुका है खत्म, तो इसको कर लेते हैं लूट। काफी मजेदार हंट था वो। तो इसने चिन को हैमर की तरह यूज किया और अपने हंटर को मारना चाहा, लेकिन उसी समय पे अपने हंटिंग हॉर्न ने हंटिंग हॉर्न को हैमर की तरह यूज किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप था ये। तो अभी लिखा है रिटर्न टू द रिसर्च बेस, तो वही करते हैं, रिसर्च बेस की तरफ निकलते हैं। Have we met? Sorry, I forgot. You were out cold when I found you. I'm from the First Fleet. You folks are lucky to be alive. Hang on. She must be the one who saved us. Oh my gosh, thank you. Thank you. Just glad you're still in one piece. Fifth Fleet, am I right? What are you doing out here? Actually... This is from Zora Magdaros. I'll see what I can find. I've spent years delving into this valley's secrets. And I'm starting to understand a thing or two. Now it's your turn. Learn all that you can about this place. Next time we meet, we can compare notes. Sound good? Yes. We're on the job. Good. See ya. तो यार वो मिशन हो चुका है ख़त्म, वो हंट हो चुका है ख़त्म। तो थर्ड फ्लीट मास्टर हमको बोलते हैं, नो साइन ऑफ ज़ोरा मैग्डरोस ट्रेल, डिसअपॉइंटिंग, आई सजेस्ट यू डिसेंड फर्दर, द एफ्लुवियम लेवल्स विल बी मोर टॉक्सिक बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम नाउ इज इट। तो यार एफ्लुवियम बेसिकली वो वाला गैस था जो हमारी हेल्थ को कंटिन्यूसली ड्रेन कर रहा था, जो एनवायरमेंटल डैमेज वाला गैस था। जस्ट से द वर्ड व्हेन यू आर रेडी। यू शुड प्रिपेयर बिफोर गोइंग डाउन टू द बॉटम ऑफ द रॉटन वेल, देयर माइट नॉट बी एनी टर्निंग बैक वंस वी आर देयर। तो यार नेक्स्ट मिशन में हमें जाना है रॉटन वेल के और नीचे, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें करना पड़ेगा इंतजार। तो यार आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी, तुम कौन सा वेपन और ज़्यादा देखना चाहोगे। तो यार इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, गुड बाय।